यूरोप इन दिनों दो घटनाओं को लेकर चर्चा में है। पहला, स्वीडन ने मस्जिद के सामने पवित्र इस्लामिक ग्रंथ कुरान को जलाने की वजह से, और दूसरा फ्रांस में हो रही जबरदस्त हिंसा की वजह से। खास बात यह है कि ये दोनों ही घटनाओं को इस्लाम कट्टरपंथ से जोड़कर देखा जा रहा है। कुरान जलाने की घटना पर सभी इस्लामिक देश एकजुट होकर स्वीडन पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रांस में अल्जीरियाई मूल के 17 साल के किशोर नाहेल एम की पेरिस के पास पुलिस के हाथों मौत के बाद पूरा देश जल रहा है। आरोप है कि पुलिस ने अरब मूल के होने की वजह से नाहेल की हत्या कर दी। इसके बाद फ्रांस में हिंसा भड़क गई। इससे गोरे और अरब मूल के फ्रांसीसी नागरिकों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। यही नहीं, फ्रांस में मुस्लिम प्रवासियों को यूरोप आने से रोकने की मांग भी तेज हो गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इन दिनों यूरोप के कई देशों में मुस्लिम चरमपंथ को घटाने के नाम पर कई बदलाव भी हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि यूरोपीय देशों को ये डर है कि कहीं यूरोप का अरबीकरण ना हो जाए। इसके लिए एक प्रचलित टर्म भी है, यूरेबिया, मतलब यूरोप का अरबीकरण। अब यूरोप को ये डर क्यों लग रहा है, इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूरोप में इस्लाम की एंट्री कैसे हुई। बताया जाता है कि यूरोप में मुस्लिम आबादी सीरिया, इराक और युद्ध से जूझते दूसरे देशों से आती गई। शुरुआत में यहाँ शरणार्थियों को लेकर सरकारें काफी उदार थीं। फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों ने एक आदर्श लोकतंत्र के तहत आने वाले शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी। वहीं दूसरा पक्ष ये मानता है कि सस्ते मजदूरों की लालच में फ्रांस ने प्रवासियों को आने दिया। इसमें ऐसे प्रवासी भी थे जिन्हें खुद इस्लामिक देश अपनी जेलों में डालना चाहते थे। यूरोप के ज्यादातर देशों के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन में किसी भी नागरिक के साथ धर्म या उसकी नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन अब रिपोर्ट्स बताते हैं कि यूरोप में करीब 2,60,00,000 से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनमें से एक हिस्सा अक्सर यूरोप में विवादों में रहता है, जो इस्लाम के नाम पर कट्टर विचारों को बढ़ावा देता है। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत 80 के दशक से ही हो गई थी। तब ईरान के धार्मिक नेताओं ने इस्लामिक जागरण की बात शुरू की। वे अपील करने लगे कि यूरोप जाकर खुद को यूरोपियन रंग रूप में ढालने के बजाय मुसलमान खुद को मुस्लिम बनाए रखें। यहीं से सब बदलने लगा। मुस्लिम अपनी मजहबी पहचान को लेकर कट्टर होने लगे। ये यूरोप के पुराने कल्चर को प्रभावित करने लगा, जिससे वहाँ के लोगों को परेशानी होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दो दशक में इस्लाम के नाम पर यूरोप में की गई हिंसा में हजारों लोग मारे गए हैं। कई लोग दावा करते हैं कि इसकी वजह ये है कि इस्लामिक देशों से बड़ी संख्या में प्रवासी यूरोप पहुंचे हैं। अब हालात ये हैं कि यूरोप का एक तबका यूरेबिया की थ्योरी पर यकीन करने लगा है। इस थ्योरी पर यकीन करने वाले मानते हैं कि मुस्लिम किसी छिपे हुए एजेंडे के तहत उनके यहाँ पहुंचे हैं। वे आबादी बढ़ाते जाएंगे और फिर उनके देश पर कब्जा कर लेंगे। इस्लाम को लेकर फ्रांस, इटली, डेनमार्क में बड़े बदलाव किए गए हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जो मस्जिदों से बाहर प्रेयर करने पर रोक लगाएगा। साथ ही वहां किसी और भाषा की बजाय इतावली भाषा में प्रेयर करनी होगी, ताकि स्थानीय लोग भी उसे समझ सके कि क्या कहा जा रहा है। डेनमार्क में तो मुहिम ही चल पड़ी है, डेनमार्क का इस्लामीकरण बंद करो। कई पार्टियों के नेता चुनाव का अपना एजेंडा ही यही बताते हैं कि वे मुस्लिम शरणार्थियों के लिए देश की सीमाएं बिल्कुल बंद कर देंगे। इससे पहले साल 2021 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने एक विवादित बिल पास किया, जिसका नाम था इस्लामिस्ट सेपरेटिज्म। वहीं पोलैंड जैसे देश अब प्रवासियों से जुड़े नियमों को बेहद सख्त बनाने की वकालत कर रहे हैं। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं या Twitter पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। शुक्रिया।